हेलो गाइस, आज कुछ बात करते हैं स्किन केयर की। तो सबसे पहले अगर स्किन केयर की बात होती है तो हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए सोचते हैं तो वो है हमारा सनस्क्रीन। अगर आपका सनस्क्रीन सही है तो आपका स्किन परफेक्ट होगा। आप अगर अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, अच्छे सनस्क्रीन को यूज़ कर रहे हो तो आपके स्किन को कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से सनस्क्रीन के ऊपर सर्च कर रही थी, काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी कोई अच्छा सनस्क्रीन जो कि मैं यूज़ करूं और बहुत ज़्यादा वो स्टिकी नहीं हो फेस को, जो कि अगर लगा लो तो फेस काफ़ी स्टिकी सा हो जाता है समटाइम्स। और कभी ऐसा होता है कि आप बाहर जा रहे हो तो वो बिल्कुल ब्लीड करने लगता है आपका, ये जो सनस्क्रीन लगाने के बाद फेस बिल्कुल ऑयली हो जाता है, अलग से नज़र आता है। वो उन चीज़ों से मैं बहुत परेशान थी और मुझे परफेक्ट सनस्क्रीन नहीं मिल रहा था। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक सनस्क्रीन मिला जो कि मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मुझे उसका रिज़ल्ट दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। सो मैं जस्ट फॉर शेयरिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट ये न्यूट्रोजिना के अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सनब्लॉक SPF 50+, ये सनस्क्रीन मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, काफ़ी अच्छा है। ये मैंने यूज़ किया 2 महीने और 2 महीने में मुझे काफ़ी इसका बेनिफिट नज़र आया। एक तो ये कि मैंने इसे सिर्फ धूप में नहीं लगाया, जब भी मैं घर पे आफ्टर बाथ या आफ्टर फेस वॉश जो मॉइस्चराइज़र में लगाती हूँ उसकी जगह मैंने इसे सिर्फ लगाया। ये मॉइस्चराइज़र का भी अच्छा काम करता है। आप घर में भी हो तो 3 से 4 बार ज़रूर इसे फेस वॉश करके यूज़ करो, इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप धूप में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो एक नॉर्मल क्रीम की तरह से अप्लाई करो, बिल्कुल ही ये फैलेगा नहीं और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है इससे, स्वेटिंग फैलती नहीं है इससे। और उसके अलावा क्या है, थोड़ा सा अगर एक क्रीम वाली लुक भी आती है, ऐसा नहीं लगता है कि मैंने सनस्क्रीन लगा रखा है वो क्रीम वाली। उसके ऊपर अगर आप मेकअप भी कर रहे हो तो पहले ये लगा के उसके बाद आप मेकअप कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है गाइज। अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो ये। मैंने ये लिया था नाइका से लिया था, 550 में शायद लिया था और 88 ml की है ये। 2 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, इसमें काफ़ी है, कम से कम ये 2 महीने और यूज़ होना है। ये जो सनस्क्रीन है ये स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और किसी भी तरह से इचिंग या जलन नहीं होती। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड भी नहीं, क्रीमी कुछ ज़्यादा है, तो आप आइज़ के अब जब आप लगाओ तो आइज़ के से थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करना, बिकॉज़ ये लगने के बाद आइज़ को वो एक बर्निंग सेंसेशन सी होती है आँखों में, तो बस थोड़ा सा ज़्यादा पास जाके नहीं रहा क्योंकि अपने आप ही फैल जाती है। तो इसलिए बस यही एक पॉइंट है कि अगर आप केयरफुली नहीं लगाओगे तो शायद आंखों में आपके जलन हो, अदरवाइज़ इसमें कोई भी ऐसी वो नहीं है जिसके लिए मैं इसे आपको मना करूँगी। मैं आपको एडवाइस करूँगी आप ये ज़रूर ट्राई करें। स्किन के लिए काफ़ी जेंटल है ये, काफ़ी जेंटल है, आप अगर यूज़ करोगे तो आपको खुद लगेगा काफ़ी जेंटल है। ज़्यादा रब करने से या कुछ करने से इचिंग वगैरह नहीं होती। आप अगर फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसा रब भी कर रहे हो तो कोई आम नहीं कर रहा, बट आप स्किन को उस तरह रब नहीं करो, आप जेंटली अप्लाई करो। बट समटाइम्स होता है कि हम ज़्यादा रफली यूज़ करते हैं, बट ऐसे नहीं करना चाहिए। फेस आपका स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आ सकता है। और उसके अलावा ये ऑयल फ्री भी है, काफ़ी वो है आपको ये कहीं भी अगर आप धूप में जा रहे हो या बाहर जा रहे हो तो आप बिफोर गोइंग आउटसाइड आप 15 से 20 मिनट के पहले आप ज़रूर इसे अप्लाई कर लो ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से इसको अब्सॉर्ब कर ले। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा धूप में ही आपको रहना है या आप वर्किंग हो, आपका काम ही ऐसा जो कि आपका फील्ड का हो, बार बार बाहर जाना होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। आप एक बार ट्राई करके देखो, काफ़ी अच्छा है ये। तो अगर आप लगा रहे हो तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट स्किन को नहीं होगा, अभी तक मुझे तो नहीं हुआ है। अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन भी है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी आप एक बार लगा के देखो। अगर आपको इचिंग या बर्निंग सेंसेशन होता है तो आप उसे अवॉइड कर देना, नहीं लगाना, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है। सो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करो। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो अबाउट स्किन केयर सनस्क्रीन के लिए।
मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, आप भी ट्राई करके देखो। मैंने अपना जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको शेयर किया है, हो सकता है ये आपके काम आए। सो जस्ट एक बार ट्राई करके देखो। आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। अभी इस मैंने 88 ml 550 में लिया था, लेकिन इस वक्त 88 ml 450 में मिल रहा है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं आपके नायका पे मैं आपको इसका लिंक डाल दूँगी, नायका से आप ले सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।